नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और पेड कोर्सेस अटेंड करना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, अगर आप एक बिगिनर हैं, जीरो लेवल से बैंकिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज देखने चाहिए, तो ये इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको सारे टीचर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्लेरिकल लेवल का है, SBI क्लर्क लेवल 3 से 4 नंबर के लिए। हालांकि क्वेश्चन छोटा देख कर ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान होगा, प्री नहीं है, मेन्स है। ठीक है, और अभी दोस्तों आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। शुरुआत में छोटा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैंने अभी डाले हैं, फिलहाल मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और लेट हो जाता वरना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर लगेगा तो और एक आध क्वेश्चन बाद में ऐड कर लूँगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं अप्रॉक्स टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को 6 मिनट। ट्राई करिए जल्दी से, अगर सॉल्व हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, कैमरा किसी ने हिला दिया लग रहा है। चलिए अब सही है, पहला ही क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास। बनाइए इसको जल्दी से, 6 मिनट का समय है, मैं म्यूट कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं।
चलिए डन के मैसेज तो आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सर पीओ लेवल भी होगा कार्तिक जी? होगा ना, कैसे कर दे रहे हो भाई, अंकुश लांबा सर की क्लास है। थोड़ा एक आध वो दिखाऊं क्या आगे हाइलाइट्स? एक ये वाला क्वेश्चन है, ये शायद कुछ लोगों ने किया होगा जो पिछले साल क्लासेस करते थे। पिछले साल मैंने ये करवाया था भूल भुलैया वाला। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है। तो फिलहाल अभी ये तीन क्वेश्चन मैं डालूँ, पहले तीन करवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा सा था तो उसको इसके बाद करवाऊंगा। पहले ये तीन कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। काफ़ी लोगों का डन का तो मैसेज आ रहा है, यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर वर 15 पर्सन सिटिंग इन 3 रोज ए बी सी डी ई वर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। तो ए बी सी डी ई जो है ये सभी के सभी रो 1 पे बैठे हुए हैं और साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। पी क्यू आर एस टी जो है ये रो 3 पे बैठते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वर सिटिंग इन रो 2 वेयर सम पर्सन वर फेसिंग द नॉर्थ वाइल सम पर्सन वर फेसिंग द साउथ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। रो 1 रो 2 एंड रो 3 वर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल मैनर इन द सेम ऑर्डर। तो आपको बोल रहा है दोस्तों तीन रो आपको बनानी है, 1, 2 और 3। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ये सभी के सभी ऐसे साउथ की तरफ देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5। ये सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब कौन कहाँ बैठा था भाई? ए बी सी डी ई जो है ये सभी के सभी रोवन पे बैठे हैं, तो यहां लिख देते हैं ए बी सी डी ई। पी क्यू आर एस टी, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन लोगों का हमको डायरेक्शन नहीं पता अभी। ठीक है, इनका हमको डायरेक्शन नहीं पता, कुछ नॉर्थ देखेंगे कुछ साउथ देखेंगे। आगे चलते हैं। सर इज इट नेसेसरी टू अटेम्प्ट पजल टू क्वालिफाई इन मेंस? कुमार जी, 7 या 8 क्वेश्चन को छोड़कर सारा पजल ही होता है। मुश्किल से 6, 7, 8 क्वेश्चन ही आते हैं मिसलिनियस के, वो भी कभी कभार आते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिसलिनियस करोगे तो हो जाएगा, अच्छे नंबर चाहिए तो पजल तो बनाना ही पड़ेगा। आप हार्ड वाले मत बनाना, ईजी वाले बनाना। जैसे ये बहुत हार्ड नहीं है, ये सिंपल था थोड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 3 नंबर के लिए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली 2% यहां से स्टार्ट करते हैं। बोला ओनली 2% वर सिटिंग इन बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में दो लोग बैठते हैं, ठीक है। एस एंड वन ऑफ देम वाज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा होगा। द पर्सन हु वाज फेसिंग आर वाज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वाई। जो जो भी आर को फेस कर रहा है वो वाई के सेकंड कहां पर बैठा हुआ है? वाज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वाई, वो वाई के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो y के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे y से सेकंड टू लेफ्ट में बैठा होगा ये वाला पर्सन जो r को फेस कर रहा है। अब इसमें बनती है दोस्तों दो पॉसिबिलिटी। मैं क्या करूंगा, एक बार ना r को एंड पे लेकर पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि r एंड पर होगा, s भी एंड पर हो सकता है। तो लेकिन हम इसको एक बार पॉसिबिलिटी को चालू करते हैं, कहीं से तो चालू करना ही है ना। या तो s को एंड पे ले लो या तो r को ले लो। तो मैं r को लेकर स्टार्ट करता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि r ही होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं भाई, सर वर्टिकल दे रखा है। हाँ तो हेमंत जी वर्टिकल ही तो है ना, ये देखो 1, 2, 3 ये वर्टिकल हुआ ना भाई, ये देखो ना ये वर्टिकल, इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं। तो ये वर्टिकल है ना, 1, 2, 3 इन द सेम ऑर्डर। अब देखो आर जो है उसको मैंने रख दिया यहाँ पर, 2 छोड़कर एस मैंने रख दिया यहाँ पर। जो आर को फेस कर रहा है वो वाई के सेकेंड टू लेफ्ट में, तो वाई यहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ देखेगा तभी ऐसे सेकेंड टू लेफ्ट में होगा, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है और देखिए,
वाई हु वॉज फेसिंग ई, वाई जो है वो ई को फेस कर रहा है, मतलब ई यहां पर होगा। अब हो रहा है ओनली वन पर्सन वॉज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, डी हु वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ई और डी के बीच में एक ही पर्सन है, तो डी या तो यहां होगा, डी या तो यहां होगा, लेकिन डी जो है वो बी का नेबर नहीं है, मतलब इसके बगल में बी नहीं होना चाहिए। जेड वॉज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है डब्ल्यू से, जेड जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है डब्ल्यू से। डब्ल्यू हु वॉज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू हु वॉज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो टी के इमीडिएट नेबर को डब्ल्यू फेस करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी हु वॉज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ पी, टी जो कि थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है पी से। अब देखो पी से थर्ड टू राइट में टी कब होगा, जब पी को यहां रखोगे तो थर्ड टू राइट में यहां पर हो गया टी। अब देखो टी के नेबर को डब्ल्यू फेस कर रहा है, तो टी के नेबर को डब्ल्यू फेस कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं डब्ल्यू यहां पर होगा, ऐसे नीचे फेस कर रहा होगा इसकी तरफ। अब देखो डब्ल्यू के राइट में दो छोड़कर जेड था, तो डब्ल्यू नीचे देख रहा है, तो राइट में दो छोड़कर जेड यहां पर आ जाएगा। आगे बोल रहा था इमीडिएट नेबर ऑफ वाई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, इमीडिएट नेबर ऑफ वाई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ वाई इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, मतलब बी के लिए ये वाली दो जगह या तो बी यहां पर होगा या तो बी यहां पर होगा। बट फेसेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोले, द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी बट फेसेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, भाई बी किस तरफ फेस कर रहा है, बी किस तरफ फेस कर रहा है, बी जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो y का वो नेबर भी नीचे की तरफ ही फेस करना चाहिए, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ b बोल रहा है ना, बट फेसेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ b, तो अगर b नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो w भी नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मतलब b यहां भी हो सकता है, ये नीचे फेस करेगा तो यहां भी हो सकता है। अब और c एंड v फेसेस ईच अदर एंड v एंड x फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, c और v फेसेस ईच अदर, c और v जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, c और v एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और V और X जो हैं वो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब X नीचे की तरफ देखेगा। V sits to left of X, V जो है वो लेफ्ट में है X के लेफ्ट में ही है V ऐसा, एंड मैक्सिमम वन पर्सन सिट इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम एक बैठता है, तो देखो V और X के लिए ये वाली कंडीशन गलत हो गई, V और X नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया, मतलब R को एंड पे नहीं ले सकते थे, S को एंड पे लेना था तभी सॉल्व होता, हाँ या ना जल्दी बताओ, सही है मतलब गलत हो गया ना। अब देखो दोस्तों क्या करना है, इसको फटाफट चेंज करते हैं, कंडीशन तो याद हो ही चुकी है हमको, एस को एंड पे रखेंगे तो दो छोड़कर आर यहां पर आ जाएगा, आर के सामने जो बंदा है वो इसको फेस कर रहा है, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ इसको फेस कर रहा है, थोड़ा इधर करके बना लेना ठीक है, ये इसको फेस कर रहा है, और एक छोड़कर वाई से लेफ्ट की तरफ में, मतलब वाई जो है वो यहां पर आ जाएगा, वाई से लेफ्ट कब होगा, जब वाई ऊपर की तरफ देखेगा ऐसा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी पूरी हो गई। इसके बाद और क्या बोला था यार, मैं एक कंडीशन लिखा नहीं, लिख लेना चाहिए था, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। Y who was facing E, Y जो कि E को फेस कर रहा है, ओनली वन पर्सन was sitting इन बिटवीन E एंड D, तो E से D के बीच में एक ही पर्सन बैठता है। D who was not an immediate neighbor of B, D जो है वो B का immediate neighbor नहीं है, तो B यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी, और क्या था उसके बाद, Z was sitting third to right of W, Z जो है वो third to right में बैठा है W से, W who was facing the immediate neighbor of T, W जो कि T के immediate neighbor को face कर रहा है, T who was sitting third to right of P, T जो कि P के third to right में बैठा है, तो P के first, second, third T यहां पर बैठा हुआ है। अब देखो T के immediate neighbor को W face करता है, अगर W को यहां रखूंगा, यहां पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि W से दो छोड़कर Z रखना है, तो W से दो छोड़कर कुछ नहीं है, W से दो छोड़कर कुछ नहीं है, तो W को यहीं पर रखना पड़ेगा, नीचे की तरफ फेस कर रहा है इसको, W से दो छोड़कर राइट में यहां पर आ जाएगा Z, ये देखो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई।
अब क्या बच गया हमारे पास, द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, वाई का इमीडिएट नेबर जो है वो बी के फ्रंट में बैठता है बट फेसेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, मतलब बी नीचे देख रहा है ये भी नीचे देख रहा है, ठीक है। सी एंड वी फेसेस ईच अदर एंड वी एंड एक्स फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, सी एंड वी फेसेस ईच अदर, तो सी और वी एक दूसरे को फेस कर रहे, तो सी को रखने के लिए कौन सी जगह दिख रही है, देखो ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, सी और वी, वी और एक्स, वी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एंड मैक्सिमम 1% सिट इन बिटवीन देम। सी एंड वी फेसेस ईच अदर, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये एक्स ऐसा आएगा, नीचे का डायरेक्शन फेस करेगा, ये एक्स यहां पर आएगा नीचे का डायरेक्शन फेस करेगा, वी यहां पर आएगा ऊपर का डायरेक्शन फेस करेगा, सी यहां पर आएगा नीचे का डायरेक्शन। अब देखो सी और वी आर फेसिंग ईच अदर, एक्स और वी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वी नॉर्थ एक्स नीचे साउथ, यानी सेम है। एक्स के लेफ्ट में वी होना चाहिए, देखो नीचे देख रहा है तो लेफ्ट में वी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बचा ए था, उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा एक यहां पर भी बचा है, पी क्यू आर एस टी, परफेक्ट, ऐसे ही बना है सबका आंसर। ये बोला जाए तो पीओ में ये तीन नंबर का है, अगर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस में आता है तो मैक्सिमम तीन नंबर का है, क्लर्क में आता है तो चार नंबर का है। हो सकता है कि पीओ में दो नंबर का ही आए, ऐसा भी होता है ना कि दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, कुछ कितने भी नंबर का आ सकता है, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। चेक करते हैं ए डी सी ई बी, ए डी सी ई बी, एक्स जेड वी वाई डब्ल्यू, एक्स जेड वी वाई डब्ल्यू, पी आर क्यू टी एस, पी आर क्यू टी एस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। एक्स वी की जगह भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता तनुजा जी, एक्स वी की जगह पे नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्शन गलत हो जाएगा फिर। चलिए उम्मीद करता हूं हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो वीडियो को पॉज कर लिया होगा, बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। ये इंग्लिश क्वेश्चन है, मैं इसके लिए 8 मिनट का समय दे रहा हूं, एग्जैक्ट 8 मिनट दोस्तों, और 8 मिनट के बाद फिर यहां टाइमर स्टार्ट होता है क्या, मैं देख लेता हूं। नहीं है दोस्तों टाइमर का नहीं है फंक्शन, 8 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए 8 मिनट तक के लिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को शांत कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन बनाइए, 8 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों 8 मिनट तो हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है, 12% एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू वर सीटेड इन अ मेज दैट हैड कॉन्सेंट्रिक वॉल्स एज शोन इन द फिगर बिलो। तो कुछ कॉन्सेंट्रिक वॉल्स हैं, मतलब यहां से अगर एक बंदा ऐसे अंदर जाता है तो ऐसे जाके फिर यहां से ऐसे मुड़ेगा, इस तरफ जाएगा। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये देखो इधर से ऐसे कलर से बनाते हैं, इधर से कोई बंदा ऐसे एंटर करेगा तो ये रास्ता ऐसे जाता है, ऐसा। समझ में आया? जलेबी, तो ये जलेबी की तरह ऐसे अंदर जाएगा। अब यहां पर दोस्तों बाकी जो है ना, ये सब चीजें क्या है, जो लाइंस दिख रही है, ये लाइंस क्या है, ये दीवारें हैं, दीवार बनी हुई है ये सारी की सारी। तो अगर इधर से कोई बंदा अगर घुसता है तो उसको कौन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ये। फिर यहां से जब ऐसे टर्न मारेगा तो उसको कौन दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। फिर यहां आके जब ऐसे टर्न मारेगा तो ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ऐसी होगा ना। वही चीज आपको एक्सप्लेन किया है यहां पर, पढ़ लेते हैं एक बार। तो बोल रहे देयर वर 12 चेयर्स एंड ओनली 1 पर्सन वर सीटेड इन ईच चेयर। देयर वर 12 चेयर्स एंड ओनली 1 पर्सन वर सीटेड इन ईच चेयर, द पर्सन वर सीटेड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सारे पर्सन अंदर की तरफ देखते हुए बैठे हुए हैं। देयर वर 6 चेयर केप्ट ऑन द कॉर्नर्स एंड 6 वर केप्ट अलोंग द साइड ऑफ द वॉल्स। तो 6 कॉर्नर पे है, ये देखो पहला ये वाला हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 लोग हो गए जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या बोल रहा है, इसके अलावा बोल रहा है 6 वर केप्ट अलोंग द साइड ऑफ द वॉल। तो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल मतलब ये देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये सभी दीवारों के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी कभी बनाया है सुधांशु जी, मैंने करवाया है ये क्वेश्चन पिछले साल, हो सकता है आपने क्लास में किया हो या हो सकता है स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट में किया हो, क्योंकि वहीं का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद आगे और क्या बोल रहा है आपको, द चेयर्स वर नंबर्ड 1 to 12 एज शोन इन द फिगर, एनी पर्सन सीटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ वॉल कैन सी द नेबरिंग पर्सन सीटेड अलोंग द 2 नेबरिंग वॉल्स और द नेबरिंग कॉर्नर्स, ओनली वेन नोबडी इज देयर अलोंग there along the neighboring side of the wall. For example, person on chair 2 can see person on chair 3 and 1 but not 6. Person on chair, क्या बोले? For example, person on chair 2 can see person on chair 3 and 1 but not 6. अच्छा ये बोल रहा है कि ये जो 2 वाला है ये 6 को नहीं देख सकता, क्योंकि भाई इधर इधर से ऐसे आ रहा है ना, तो ये इधर इधर देख सकता है, इधर इधर देख सकता है पर उधर नहीं देख सकता। तो दीवारें हैं बीच में तो कैसे देख लेगा भाई। तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होगे। पूरा एग्जांपल वगैरह ही दिया है, बस जो मैंने समझाया वही चीज बोला है आपको यहाँ पर। इतना सभी को क्लियर है कि नहीं है? ऐसा कोई कोर्स है आपका जिसमें सिर्फ मिसलेनियस हो मेंस लेवल? नहीं, सिर्फ मिसलेनियस तो नहीं है, क्योंकि पजल का वेटेज ज्यादा रहता है, तो 60% क्लासेस पजल की होती है, बाकी मिसलेनियस की होती है। निखिल जी आपने अभी मिसलेनियस देखा नहीं है ना, आप मिसलेनियस 4-6 क्वेश्चन आप मिसलेनियस के देख लोगे ना, आप बोलोगे पजल ही ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस ऐसा आता है ना लॉजिकल वाला, मतलब उसमें हजारों लाखों पैटर्न हो सकते, कुछ भी हो सकता है। आपको खोजना पड़ेगा कि उन लाखों करोड़ों पैटर्न में से वो कौन सा एक पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आया है। तो इतने सारे पैटर्न्स में एक पैटर्न आपके एग्जाम में आता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना एग्जाम में। तो आप पजल पे ही फोकस करो, मेरे हिसाब से इतने 5-6 सालों के एक्सपीरियंस से मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप मिसलिनियस करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मिसलिनियस भी करो, लेकिन पजल आना बहुत ज़रूरी है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। अब इसमें क्या बोला है यहां पर ध्यान से देखते जाइए। तो यहां आपको बोल रहा है ओ सिट्स थर्ड राइट ऑफ के, ओ जो है वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है के से, ओ जो है वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है के से, एंड कैन सी एफ एंड एम, एंड कैन सी एफ एंड एम, और ओ जो है ये एफ और एम को देख सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एफ और एम को देख सकता है। उसके बाद बोल रहा है के कैनॉट सी एनीबडी, के किसी को भी नहीं देख सकता, के किसी को भी नहीं देख सकता, अकेला बैठा हुआ है ये। जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, जी जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है एन से। टू पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट साइड में दो लोग बैठे हुए हैं। पी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ एल ऑन एनी कॉर्नर, पी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है और कॉर्नर पे बैठा हुआ है। इधर आई और के सिट्स बिटवीन एल एंड पी, आई और के सिट्स बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में या तो आई है या तो के है। Q sits on any side between G and F. Q sits on any side between G and F. Q sits on any side between G and F. G और F के बीच में किसी एक साइड पर Q बैठा हुआ है, साइड पर, ये कॉर्नर नहीं है ना, साइड पे है। I cannot see anyone. I जो है वो किसी को नहीं देख सकता, तो I के लिए हम यहां पर बना देते हैं अकेला, ये किसी को नहीं देख सकता। I sit on seat number which is double of F. I जो है वो F का डबल होना चाहिए, मतलब 2F is equals to I. F का डबल करोगे तो I आ जाएगा। थ्रेड मेथड से इसको नहीं बना सकते, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा, बना तो लोगे पर कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। L is sitting on an odd number seat on any one side. तो L जो है वो किसी साइड में बैठता है और odd number की सीट पर बैठता है। अब देखो दोस्तों, L जो है वो साइड पर बैठता है और उसके सेकंड टू लेफ्ट में पी कॉर्नर पे है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं आई को यहां पर लेता हूं, अगर मैं सॉरी एल को, अगर मैं एल को यहां पर लेता हूं इस वाली जगह पे, ठीक है, तो एल से पहला और ये दूसरा, यहां पर पी कॉर्नर पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, हटा देते हैं इसको। अब देखो एल जो है, एल के लिए बोला क्या, एल इज सिटिंग ऑन एन ऑड नंबर सीट ऑन एनी वन साइड, साइड यहां पर नहीं हो सकता, ये तो कॉर्नर है, यहां पर देखते हैं। अगर L को यहां पर रखोगे तो एक छोड़कर P कॉर्नर पे आया क्या, नहीं आया, मतलब यहां पर भी L को नहीं रख सकते। अब उसके बाद देखो, यहां L को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो L से एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा P, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बिल्कुल, कि अगर मैं L को यहां पर ले लूं ये वाली जगह पे, तो इससे फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट में यहां पर पी आ जाएगा, ये पॉसिबल है ना, और पी कॉर्नर पे आ गया, मतलब ये कंडीशन सही है हमारी। अब देखो पूरा एल और पी के बीच में आई और के होना चाहिए, और एल जो है वो साइड में ऑड में बैठा है, तो एल ऑड पे बैठा हुआ है, सही है बिल्कुल। एल और पी के बीच में यहां पर आई या के आना चाहिए, यहां पर लिख लेते हैं, आई और के में से कोई एक बैठा हुआ है। तो आपको बोल रहा आई जो है वो अकेला किसी को नहीं देख सकता, तो भैया अगर आई यहां बैठा है तो वो तो पी को भी देख पाएगा, एल को भी देख पाएगा, तो आई तो यहां हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली यहां पर के होगा, क्योंकि आपको बोला है ना आई कैन नॉट सी एनीवन, आई किसी को नहीं देख सकता, तो आई यहां आ ही नहीं सकता, यहां पर के को ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो के सेकेंड थर्ड टू राइट में ओ है, तो भैया देखो के अंदर की तरफ फेस कर रहा है ना, तो राइट इस तरफ होगा, तो एक दो छोड़कर ओ यहां पर आ जाएगा। अब O जो है वो F और M को देख सकता है, तो O किसको किसको देख सकता है, भाई ये वाली जगह को देख सकता है, इस वाली जगह को देख सकता है, बस O जो है वो यहां और यहां देख सकता है। अच्छा K भी नहीं देख सकता, इधर आई हो केसेस हैं, K cannot see anybody, अच्छा K भी किसी को नहीं देख सकता दोस्तों, K भी अकेला ऐसा जगह पे बैठा है जहां से वो नहीं देख सकता, तो ये कंडीशन ही गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको L को और आगे बढ़ाना पड़ेगा।
अब एल को 5 के बजाय और लेकर जाएं तो साइड में 9, 9 पर रख सकते हैं एल को, अब इस 9 वाली जगह पे एल को रख सकते हैं, ठीक है। अब एल से लेफ्ट में पी कॉर्नर पे होना चाहिए, तो एक छोड़कर ये पी यहां पर आ जाएगा 11 वाले पे कॉर्नर पे। अब इन दोनों के बीच में आपको बोला है आई और के में से कोई एक आएगा, तो आई और के में से कोई एक यहां पर आ जाएगा ऐसा, और दूसरा आई और के में से दूसरा पर्सन कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ये वाला, ये भी किसी को नहीं देख सकता ना, तो आई और के में से कोई एक यहां पर आ जाएगा। बाकी सब जितनी भी जगह है वहां कोई ना कोई किसी ना किसी को देख पा रहा है। इसको बोले तो ये वाला इसको देख रहा है, ये वाला इसको, इसको भी देख रहा है, ये वाला इसको देख रहा है, ये वाला इसको देख रहा है, ये इसको, इसको देख रहा है, ये भी इधर इधर देख पा रहा है, ये भी इधर इधर देख पा रहा है, ये भी देख पा रहा है, ये इधर देख पा रहा है, ये किसी को नहीं देख रहा, यहां पर तो पी आ चुका है, ये किसी को नहीं देख रहा। तो आई और के लिए यही दो जगह बनेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। अब आई का जो भी प्लेस है वो डबल है किससे, एफ से डबल है। तो अगर एफ से डबल है तो देखो आई का प्लेस वैल्यू क्या है भाई, 10 या 12, यानी कि 5 या 6 पे कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए। 5 या 6 पे एफ आना चाहिए, मतलब एफ या तो यहां पर होगा, एफ या तो यहां पर होगा। अभी अभी नहीं देखते, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। और क्या बचा भाई, इसके बाद हमें क्या चीज सेट किए थे, जे के राइट में दो लोग है, तो जे के राइट में दो लोग है, तो ये देखो जे को यहां रखेंगे तो राइट में एक और दो पर्सन दिख रहा है, तो यहां पर हो गया जे, ठीक है। ओ जो है वो के से दो छोड़कर राइट में है, तो के से दो छोड़कर राइट में मतलब कि अगर मैं के को यहां पर रखूंगा तो एक दो छोड़कर यहां पर नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, तो आई को यहां पर रखना पड़ेगा, के को यहां पर रखना पड़ेगा। फिक्स हो गया आई और के, के को यहीं पर रखना पड़ेगा, आई को यहीं पर रखना पड़ेगा। अब के से फर्स्ट सेकेंड छोड़कर यहां पर आ जाएगा ओ। अब ओ किसको किसको देख पा रहा है, एफ को और एम को, तो ओ एफ और एम को देख पा रहा है, तो एफ के लिए तो यही वाली जगह, यहां पर एफ को रख देते हैं, तो ओ इसको भी देख पा रहा है, यहां पर एम को रख देते हैं। अब देखो एफ और जी के बीच में क्यू बैठा है, तो एफ जी को यहां रख दो तो क्यू यहां पर आ जाएगा, अब G जो है वो N से सेकेंड टू लेफ्ट में है तो N यहां पर आ जाएगा, N से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट G हो गया। एक क्या नाम बच गया भाई जल्दी बता दो, H वो आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, एक बार चेक करते हैं दोस्तों, यहां से वन से स्टार्ट करते हैं, एच एन जे जी क्यू एफ, एच एन जे जी क्यू एफ, ओ एम एल के पी आई, ओ एम एल के पी आई, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, इजी था ये, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है पीओ में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है पीओ में, क्लर्क में भी आ सकता है 5 नंबर के लिए, ठीक है। मेंस की बात कर रहा हूं भाई, प्री की बात नहीं करो, प्री में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। चलो हिंदी वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्शन कैसे लिया, ऋषिका जी बताया तो था कि सब इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सब लोग। चलो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हिंदी वालों ने, चलते हैं इंग्लिश पर, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देखो जल्दी से बनाने की कोशिश करो, मैं इसके बाद के लिए और क्वेश्चन रेडी कर लेता हूं।
सर अगर पजल ही करे तो सही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। इन प्री एवरी टाइम दे गिव ओल्ड मॉडल पजल्स बट इन मेंस ऑलवेज दे गिव समथिंग न्यू। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार प्री के लिए चेंज करते रहेंगे तो लोग तैयारी करना छोड़ देंगे, क्योंकि जो नया स्टूडेंट आता है वो डर जाएगा, लेकिन जो प्री क्वालिफाई करके जा रहा है उसको पता है कि भैया मुझे मेंस क्वालिफाई करना है, तो मेंस के लिए कुछ ना कुछ तो हार्ड या नया कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
दोस्तों ब्लॉक तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये अनअकैडमी के पास ही ऑप्शन है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। मैं ब्लॉक करूंगा अभी तो ये सिर्फ मेरे चैनल से ब्लॉक होगा। इसको रिपोर्ट कर दीजिए आप सभी लोग। सारे के सारे लोग उस कमेंट के राइट साइड में जो तीन डॉट बने हुए हैं उस पे क्लिक करके रिपोर्ट पे क्लिक करिए और रिपोर्ट मैसेज में रेडियो बटन सिलेक्ट करके जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें रिपोर्ट क्लिक कर दीजिए। पजल डन। चलिए अच्छी बात है, जिनका सॉल्व हो गया, जिनका नहीं हुआ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। इसमें किसको क्या करना था, सब मिक्स हो गया है। कैसे कर दे रहे हो भाई। चलो स्टार्ट करें दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा। एक बार जल्दी से लिख दीजिए नो जिनका सॉल्व नहीं हुआ, एक बार नो लिख दीजिए जिनका सॉल्व नहीं हुआ। काफी लोगों का नहीं हुआ है। चलो तो स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, ABCDEFR 6 पर्सन हु गॉट देयर जॉब्स रिसेंटली इन बैंक्स फॉर द डिफरेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क PO SO नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट देम। One who is posted in Andhra Pradesh is equal to the age of the one whose hometown is Madhya Pradesh, but both of them have different designation. लेकिन दोनों का designation different है। आगे बोल रहा है, F is neither PO nor clerk and posted in Haryana, but he is oldest among all. तो ये oldest होगा सबसे।
थ्री पर्सन बी सी एंड ई आर हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशंस. वन हु इज पोस्टेड इन राजस्थान इज यंगर देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो यंगर देन द वन हु इज पोस्टेड एट छत्तीसगढ़. तो दोस्तों इतना पढ़ के अभी तक हमको ये चीज तो समझ में आ गया कि हमको चार या पांच चीजों के बारे में बात कर रहा है. एक तो भाई उनके पोस्ट डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि कौन से डेजिग्नेशन पे हैं, किस जगह पे पोस्टेड हैं, किस जगह पर रहते हैं, उनकी एज कितनी है और उनके नाम क्या हैं. टोटल पांच चीजों के बारे में बात हो गई. ये पांच चीजें समझ में आ गई. हो सकता है छठवां और भी कुछ आगे दे दे, हमको नहीं पता, पर हमको पांच तो पता चल गया. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ आर सिक्स पर्सन. तो ए बी सी डी ई एफ का हम यहां पर सबसे पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं. ए बी सी डी ई एफ, कायदे से एज के हिसाब से बनाना चाहिए लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि हमको पता नहीं है. जब तक पता चलेगा तब तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा. तो अब यहां पर देखो दोस्तों इनकी पोस्ट क्या है वो यहां पर लिख देंगे हम. पीओ क्लर्क एसओ जो भी है, कहां ये पोस्टेड हैं वो यहां पर लिख देंगे. पोस्टेड कौन से एरिया में है, रहते कहां है, तो होम टाउन इनका कहां है वो इस जगह पे लिख देंगे. एज इनकी जो भी होगी वो यहां पर लिख देंगे. ठीक है, तो इतना बना लीजिए जल्दी से. अब देखिए दोस्तों यहां पर वन हु इज पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन. इस लाइन का तो कोई अभी मतलब नहीं, इसको कहीं सेट तो कर नहीं सकते, तो इसको छोड़ देते हैं. इस लाइन को आखिरी में देखेंगे, पर याद दिलाना मैं भूल जाता हूं. ठीक है, याद दिलाना कि हमने एक लाइन छोड़ी हुई है बाद में देखने के लिए. वन हु इज पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन. ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखो यहां पर. एफ इज नीदर पीओ नॉर क्लर्क. एफ जो है वो ना तो पीओ है ना ही क्लर्क है. तो यहां पर बोल सकते हैं कि ये पीओ भी नहीं है और ये क्लर्क भी नहीं है. तो अगर पीओ भी नहीं है क्लर्क भी नहीं है तो क्या होगा भाई, तीन ही तो डेजिग्नेशन थे ना, पीओ और क्लर्क नहीं है तो क्या होगा, जल्दी बताओ. ऐसा होगा, तीन ही डेजिग्नेशन दिए हुए हैं यहां पर देखो, क्लर्क पीओ एंड एसओ, तो तीन ही थे. अगर पीओ नहीं है क्लर्क नहीं है तो एसओ होगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर कंफर्म. उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड पोस्टेड इन हरियाणा बट ही इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल. और ये पोस्टेड कहां पर है, ये हरियाणा में पोस्टेड है. एंड ही इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल. ओल्डेस्ट मतलब भाई हम यहां पर ऐसे नंबरिंग दे देते हैं 6 5 4 3 2 1, तो ये इनकी एज के हिसाब से नंबर हो गए. तो एफ जो है वो सबसे हाईएस्ट, तो एफ जो है सबसे हाईएस्ट, यहां पर एज वाले को यहां पर बना लेते हैं. ठीक है, ओल्डेस्ट अमंग ऑल. 3% बी सी ई आर हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशन. तो बी सी ई का डिफरेंट डेजिग्नेशन है, तो इनकी जो पोस्ट है वो अलग अलग होगी तीनों की. एक पीओ होगा, एक क्लर्क होगा, एक एसओ होगा. कौन होगा हमको नहीं पता. वन हु इज पोस्टेड इन राजस्थान इज यंगर देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो यंगर देन द वन हु इज पोस्टेड एट छत्तीसगढ़. इस लाइन को भी अभी नहीं कर सकते, इसको देखते हैं. एक ये ना क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का, इसको दो बार पढ़ना ही पड़ेगा. जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है ना, दो बार पढ़ के बनाते हैं, वैसे इसको दो बार पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन को. तो पहले आगे बढ़ते जाते हैं, जो जो छूटेगा उसको बाद में फिर से देखेंगे. डी हु इज क्लर्क इज 27 ईयर. डी जो कि क्लर्क है ये 27 साल का है. एंड हैविंग होम टाउन इन उड़ीसा, इसका होम टाउन जो है ये उड़ीसा में है. अब बोला 3% ए बी एंड एफ आर हैविंग देयर होम टाउन इन दिल्ली कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो तीन लोग ए बी एफ का होम टाउन जो है वो दिल्ली कर्नाटका उत्तर प्रदेश है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो ए बी और एफ का होम टाउन, तो ए का होम टाउन हमको पता चल गया, बी का होम टाउन हमको पता चल गया, एफ का होम टाउन हमको पता चल गया. कौन सा नाम किसके में आएगा वो अभी हमको नहीं पता. टू ऑफ देम आर पीओ, ए एंड बी आर यंगर देन द पर्सन हुज होम टाउन इज दिल्ली. A and B are younger than the person whose hometown is Delhi. तो दिल्ली वाले से younger हैं A और B. यहां पर लिख देते हैं दिल्ली वाले से younger हैं A और B. ये पूरा age वाला section यहां पर बना दिया हूं मैं. ठीक है,
एयर वी आर यंगर देन द पर्सन हुज होम टाउन इज दिल्ली एंड हैविंग 29 ईयर एज, और तो दिल्ली वाले का 29 ईयर्स का एज होगा। बी इज 5 ईयर यंगर देन ई, बी जो है वो 5 ईयर यंगर है ई से, तो ई माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी। एंड पोस्टेड इन वेस्ट बंगाल, तो बी जो है वो वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, बी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, यहां पर लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। सी इज 2 ईयर ओल्डर देन ए, सी जो है वो 2 साल बड़ा है ए से, तो ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू सी। ओनली 2 पर्सन आर पोस्टेड एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो 2 पीओ हैं, 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, मतलब 2 क्लर्क होंगे, सिंपल सी चीज है, 2 पीओ, 2 क्लर्क, 2 एसओ। वन हुज एज इज 24 इज पोस्टेड एट तमिलनाडु, जिसकी भी एज 24 होगी वो तमिलनाडु में पोस्टेड है, तो तमिलनाडु में पोस्टेड है जिसकी एज 24 साल है। एंड हैविंग हिज होम टाउन इन कर्नाटका, और इसका होम टाउन क्या है, कर्नाटका है। चौबीस वाले का तमिलनाडु में पोस्टिंग है और 24 वाले का ही कर्नाटका में होम टाउन है। वन हुज होम टाउन इज गुजरात इज नॉट अ पीओ और एसओ, तो जिसका भी गुजरात होम टाउन होगा, होमटाउन जिसका भी गुजरात होगा वो क्लर्क होगा, क्योंकि एसओ और पीओ नहीं है ये। पर्सन हु इज पोस्टेड एट छत्तीसगढ़ इज हैविंग हिज होम टाउन इन मध्य प्रदेश, जो भी पोस्टेड है छत्तीसगढ़ में उसका होम टाउन कहां पर है, एमपी में है। फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको ऊपर से। एफ इज नीदर पीओ नॉर क्लर्क बट ही इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल, ये ओल्डेस्ट है। 3% बीसीई आर हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशन, वन हु इज पोस्टेड इन राजस्थान इज यंगर देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो यंगर देन द वन हु इज पोस्टेड इन छत्तीसगढ़। इस कंडीशन को आप देखते हैं, 3% BCE are having different designation, one who is posted in Rajasthan is younger than the one whose hometown is in Madhya Pradesh. तो hometown Madhya Pradesh वाले से younger होगा कौन, जिसका posting Rajasthan में है, जो posted है Rajasthan में, तो यहाँ लिख देते हैं posted Rajasthan में। इसके बाद आगे और क्या बोल रहा है, one who is posted in Rajasthan is younger than the one whose hometown is in Madhya Pradesh. And also younger than the one who is posted at छत्तीसगढ़, और ये राजस्थान वाला जो है ये उससे भी younger है जो छत्तीसगढ़ में posted है, तो राजस्थान वाला इन दोनों से ही छोटा है। और क्या बोला है आगे, D who is clerk is 27 year and having hometown in Odisha, तो D का तो हमने लिख दिया है। थ्री परसेंट ए बी एफ आर हैविंग देयर होम टाउन इन दिल्ली कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो होम टाउन की बात कर रहा है ये तीन लोगों का। 3% ए बी एफ, ए बी एफ आर हैविंग देयर होम टाउन इन दिल्ली कर्नाटका उत्तर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटका उत्तर प्रदेश, ये तीन जगह तो हो गई होम टाउन में। अब होम टाउन में दोस्तों बचा क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। होम टाउन में यहाँ पर ये चीज़ आपको बोल दिया कि 3% ए बी एफ का दिल्ली कर्नाटका उत्तर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऑलरेडी हो चुका है। अब होम टाउन में बचा क्या, एक एम पी बचा है और एक होम टाउन बचा है गुजरात, तो एम पी और गुजरात के लिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली दो जगह है एम पी और गुजरात के लिए, एम पी गुजरात, एमपी गुजरात, होम टाउन के लिए तो यही जगह बची है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल पीओ लेवल लग रहा है एकदम, छोटा पैकेट वाला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब फर्स्ट लाइन, अच्छा फर्स्ट लाइन एक थी, छूट गई थी, याद आया, इसको देखते हैं। वन हु इज पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो जो भी आंध्र प्रदेश में है उसकी एज जो होगी, जो पोस्टेड है आंध्र प्रदेश में उसकी एज मध्य प्रदेश वाले होम टाउन वाले की जैसी होगी, बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। अच्छा देखो दोस्तों, ये सब समझ में आया, इसको देखो यहाँ ध्यान से, इस वाले को देखो, जो तमिलनाडु में पोस्टेड है वो कर्नाटका में होम टाउन है, तमिलनाडु कर्नाटका यहाँ आ सकता है, यहाँ तमिलनाडु नहीं आ सकता, तमिलनाडु आएगा कर्नाटका नहीं आ पाएगा, तमिलनाडु आएगा कर्नाटका नहीं आ पाएगा, तमिलनाडु आएगा कर्नाटका नहीं आ पाएगा, तमिलनाडु आएगा तमिलनाडु आ ही नहीं पाएगा। तो यही जगह दिख रही है आपको, तमिलनाडु में पोस्टेड है जो, ये कर्नाटका इसका होम टाउन है, और ये 24 साल का है। तो अगर ए जो है वो 24 साल का है तो ए प्लस टू यानी सी की जो एज होगी वो 26 साल हो जाएगी, ए की एज 24 साल हो गई। कितने लोगों की एज मिल गई, एक 29, 24, 26, 27 इतनी मिल गई, एक दो और बचा है बस अभी, और देखो अब इसके अलावा क्या बचा। अब देखो दोस्तों, दो चीजें और बची है हमारे पास, कर्नाटका तो हो गया, दिल्ली उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, तो यहां पर लिख देते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश, ये हो गया दिल्ली या फिर यूपी, यहां पर भी लिख देते हैं दिल्ली या फिर यूपी, तो एटलीस्ट ये पूरा सेट तो हो गया कम से कम, ये वाला हो गया, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है क्वेश्चन, मतलब होते क्या जा रहा है ही। अब जिसका होम गुजरात है वो क्लर्क होना चाहिए, तो गुजरात वाला क्लर्क या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, अभी छोड़ देते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, अच्छा ए 24 साल हमको मिल चुका है, सी का हमको 26 साल मिल चुका है, सी का यहां पर 26 साल लिख देते हैं, एक की पॉइंट दोस्तों और समझ में आ रहा है यहां पर। अब ध्यान से देखो दोस्तों, आपको यह पता है ना कि एफ जो है वो दिल्ली और यूपी में से कुछ होना चाहिए,
तनुजा जी ने लिख भी दिया और भी लोगों ने लिखा होगा शायद, एफ जो है वो दिल्ली या यूपी में से होना चाहिए, बी जो है वो भी दिल्ली या यूपी में से होना चाहिए। बट आपको पता है ना बी तो दिल्ली से छोटा है, तो बी दिल्ली कैसे हो सकता है? बी जो है वो तो दिल्ली से छोटा है ना, ये देखो दिल्ली से छोटा है तो बी पे दिल्ली कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, यहाँ यूपी ही आएगा, दिल्ली यहीं आएगा, कन्फर्म है ये। बी पे आएगा यूपी, ये आएगा दिल्ली। तो दिल्ली वाले की एज 29 है, यहां लिख देते हैं 29। जो भी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है उससे कम राजस्थान पोस्टेड वाला होना चाहिए। छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों से कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से दोस्तों एक चीज़ और समझ में आ रही है कि 3% ABF आर हैविंग देयर होम टाउन इन दिल्ली, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। टू ऑफ देम आर पीओ, दो लोग पीओ हैं। बट यार ये फुल स्टॉप के बाद बोल दिया ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखो दोस्तों एफ का तो 29 है, डी का 27 है, ठीक है। अब दो लोगों का बस एज बचा हुआ है, ई का और बी का, ठीक है। अब हमको पता है ई से पाँच साल छोटा है बी, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई ई की जो एज है 29 तो हो नहीं सकती। 28 से 5 कम करेंगे तो 23 हो जाएगा। एक आंध्र प्रदेश वाला बोला था ना, आंध्र वन हु इज पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश, बट नॉट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। होम टाउन जिसका मध्य प्रदेश होगा और आंध्र प्रदेश जिसका तो आंध्र प्रदेश अगर यहाँ आएगा तो एमपी यहाँ आएगा, एमपी यहाँ आएगा तो आंध्र प्रदेश, एमपी यहाँ आएगा तो आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश यहाँ रखोगे तो 26 अगर ई की है ठीक है। सुनो भाई, एमपी को यहाँ लोगे तो एपी यहाँ आएगा, एमपी को यहाँ लोगे तो एपी यहाँ आएगा। मतलब इसकी जो एज होगी वही एज इसकी होगी, यही तो लाइन में बोला है। यहाँ पर पढ़ो इसको अच्छे से और समझो। वन हु इज पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो आपको क्या बोला है कि भाई देखो एमपी यहाँ आएगा तो आंध्र प्रदेश वाला यहाँ आएगा और दोनों की एज सेम है तो 26 26। अगर एमपी यहां आएगा तो आंध्र प्रदेश वाला यहां आएगा और दोनों की एज सेम है, मतलब 26 26। तो अगर ई की एज 26 हो गई तो ई की एज में 26 में 5 माइनस करोगे तो बी की एज 21 आ जाएगी। समझ में आया? अब देखो अगर आंध्र प्रदेश जो है, और क्या बचा है यार हमारे पास, पहले और देख लेते हैं।
अब एज के हिसाब से ना इसको पहले सेट कर देते हैं, तो एज के हिसाब से सबसे हाई हाई कौन हो गया भाई, F29, फिर 27 में डी, 26 में सी, 26 के बाद सी और ई दोनों साथ में है ना, तो सी और ई ऐसा लग देते हैं, सी और ई। और इसके बाद क्या है, 26 के बाद 24 में ए, और ए के बाद कौन बच गया, 21 में बी। तो ये जो कंडीशन बोला है, होम टाउन जिसका एमपी है उससे नीचे पोस्टिंग राजस्थान वाले की होनी चाहिए। तो राजस्थान वाला जो है वो सी डी ई हो सकता है क्या, सी डी ई, डी तो नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, एम पी सी और ई में से कोई एक है, मतलब ये दोनों एम पी में से कुछ एक है, तो इसके नीचे ए और बी तो हो नहीं सकता राजस्थान के लिए। तो एपी और राजस्थान यही बचेंगे, एपी और राजस्थान के लिए दोस्तों ये वाली जगह फिक्स है, पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की यहां पर आ जाएगी, ये हो गया सीजी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएंगे, हमको नहीं पता अभी कौन कहां पर आएगा। ना ना ना, गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है यार, राजस्थान वाले का होम टाउन एमपी अगर जिसका भी है, वन हु इज पोस्टेड इन राजस्थान इज यंगर देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश। Also younger than the one who is posted at Chhattisgarh. Person who is posted at Chhattisgarh is having his hometown in Madhya Pradesh. छत्तीसगढ़ वाले का मध्य प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ यहां तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो रहा है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं था क्वेश्चन जितना बना दिए। हाँ वो तो डिपेंड करता है ना भाई, आपकी अप्रोच कैसी है, अप्रोच बहुत मैटर करती है, थोड़ी सी गलत अप्रोच ले लो तो क्वेश्चन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। अब जो गलती हो गई हो गई है, फिर से चेंज करने से तो बेहतर यही है ना कि इसी को दिमाग लगा के सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कम से कम। राजस्थान 26, राजस्थान 26 कम होना चाहिए, जो भी राजस्थान में पोस्टेड है। वन हु इज पोस्टेड इन राजस्थान इज यंगर देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो यंगर देन द वन हु इज पोस्टेड एट छत्तीसगढ़। अरे ए बी पी होंगे कि पीछे ही पड़ गए यार, लो लो बना देता हूँ भाई, पीओ लो बना दिए पीओ, अब बोलो अब क्या करें, मेन उसका नहीं है ना दिक्कत, दिक्कत ये है यहाँ क्या सेट होगा, यहाँ ये बस प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब तो सेट हो गया है।
राजस्थान वाला यंगर है देन द वन हुज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश, जिसका मध्य प्रदेश में घर है और पोस्टेड जो छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ पोस्टिंग वाला ही तो होम टाउन मध्य प्रदेश में है। तो सी और ई से यंगर कौन है भाई? सी और ई से यंगर तो ए और बी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया है। ये मैं कुछ अभी तक कुछ गलत तो नहीं है दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ए पोस्टिंग तमिलनाडु, बी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल, इनकी एज देख लेते हैं। देखो एज गलत हुई है ना, मैं बोला ना कुछ गड़बड़ हुआ है, एज गलत हो रही है। तभी मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सी का तो 26 है, ये तो कन्फर्म है। ई से 5 कम, पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हुज होम टाउन इज मध्य प्रदेश, बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। अब बनेगा यार, देखो सिंपल था, जरूरी नहीं है आंध्र प्रदेश यहाँ हो। अगर मैं आंध्र प्रदेश को यहाँ पर लेता हूँ तो आंध्र प्रदेश की एज 27 है, तो एमपी वाले की भी एज 27 हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ एमपी फिक्स हो गया, गुजरात यहाँ फिक्स हो गया। अब एमपी और सीजी वाला सेम है, यहाँ बोल दिया आखिरी लाइन में, तो सीजी यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक जगह और कौन सी बच गई भी पोस्टिंग वाली, बताओ जल्दी से। गुजरात होम टाउन वाला क्लर्क है, तो ये क्लर्क हो गया, ये एसओ हो गया। 27 से 5 कम करोगे 22 आ जाएगा। यहाँ जल्दी बताओ क्या बच, जगह बच गई। राजस्थान, अब चेक करके देखो, अब चेक करके देखो, राजस्थान वाला 26 साल का है, ठीक है, राजस्थान वाला 26 साल का है, तो छत्तीसगढ़ वाले और एमपी वाले से, 27 वाले से कम है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना लंबा छोड़ा जा रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने भी। वो क्या था कि आंध्र प्रदेश को हम इन दो जगह पर मान रहे थे, पर इस जगह पे तो चेक ही नहीं किया मैंने। इन दो जगह पर चेक करके देख रहे थे, पर उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही थी, इस जगह पे चेक करने से एक ही बार में सॉल्व हो गया। एक बार चेक कर लो आप सभी लोग भी, सबका आंसर सेम आया है। चलो आंसर दिखा रहा हूँ, इसको मैच करो सब लोग, सही है कि नहीं। कब से क्लास चल रही है? 9 बजे से चल रही है सुबह। और है या खत्म, ये आप बताओ, मैं कैसे बताऊंगा। अगर दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AL10 ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बनाना है तो मेरे पास 2 क्वेश्चन और है, तो AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर, तो आपको सारे टीचर्स की क्लासेस भी मिल जाएगी। मेरे काफ़ी सारे कोर्सेस हैं दोस्तों मेंस लेवल के, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये कौन है, बस की जगह भांस लिख रहा है। बनाना है, बनाना है, एप्पल क्यों नहीं है, बहुत गंदा जोक था।
दो मिनट वेट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो मिनट बस वेट करो, इसी में है। दो क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूं, वेट करिए, दोनों क्वेश्चन और बना लेते हैं हम। लेकिन दोस्तों इसमें ना देखो, मैं बार बार पीछे आगे ये सब नहीं करते रहूंगा इसमें, ठीक है? तो आप लोग ना इसका डायग्राम पहले बना लो, या तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लेना। मैं पहले बड़ा वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं पहले दे देता हूँ। इसका जल्दी से हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी वाले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज कर लो। वैभव जी देखो, आरबीआई ग्रेड भी अगर आपको करना है ना, पहले आपको बैंकिंग में जॉब ले लेनी चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्या होता है ना, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है। अब जब बैंक में काम करोगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना, तो वो सब चीज़ें आप पहले सीख जाओगे, मतलब काम करते करते सीख जाओगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहले बैंकिंग में लग जाओ, बैंकिंग में एक दो साल काम करो, फिर उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करते रहना साथ साथ। ठाकुर गरिमा जी, आप काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए शायद आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। स्मार्ट कीड़ा के मॉक के क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए आपको लग रहा है सेम टू सेम वही क्वेश्चंस। चलो बनाओ दोस्तों इसको, 8 मिनट का समय देता हूँ मैं, 8 से 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ, पैर दर्द हो गया खड़े खड़े। बनाइए इसको जल्दी जल्दी, म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोग बनाइए, 10 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँगा।
डन के मैसेज तो आ रहे हैं काफी सारे लोगों के। मॉक टेस्ट लेना है स्मार्ट कीड़ा का ले लीजिए, AL10 कोड लगा लीजिएगा, टेस्ट जोन, ये सब उसी के क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उनके। AL10 कोड, डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 8 COVID-19 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ऑन डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू अगस्त ऑफ द ईयर 2020। Each of them weight is different in kg such that no two person are of same weight. The person is in the descending order of their weights are as follows. The number is in brackets are the number of days that the person was admitted in a hospital. तो कौन कितने कितने दिन तक एडमिट था ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, और वेट जो है वो आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वेट S का है, फिर W का है, फिर Q का, T का, P का, UV का, R का, U का, ऐसा होगा। अब यहां पर देखो जनवरी से अगस्त तक बोला है, तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब देखिए क्या बोल रहा है, टू पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, टू पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिटवीन द हैवीएस्ट पर्सन एंड द वन हु वाज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर लेस नंबर ऑफ डेज देन ओनली 3 पर्सन। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं SWQTPVRU, तो वेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हैवीएस्ट ये है, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हैवीएस्ट है, ये सबसे कम वेट वाला है, ठीक है। अब ये कितने कितने दिन तक, डेज यहां पर लिख लेते, कितने दिनों तक ये एडमिट रहे हैं इसमें, तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 18, 27, 17, 21, उसके बाद और क्या दिया हुआ है 24, 28, 20, 25, अब क्या बोल रहे हैं देखो, 2 पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिटवीन द हैवीएस्ट पर्सन, हैवीएस्ट पर्सन मतलब एस से 2 पर्सन छोड़कर कौन होगा, एंड द वन हु वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर लेस नंबर ऑफ डेज देन ओनली 3 पर्सन, लेस नंबर ऑफ डेज देन ओनली 3 पर्सन। तो भाई यहां पर ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबर को आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो सबसे पहले 28 आ जाएगा, 28 के बाद 27 आ जाएगा, 27 के बाद 25 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 20 के बाद 18 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये नंबर ऑफ डेज है ना, मैंने कब मना किया भैया, लिखा तो हूं डेज, भाई वेट जिसका ज्यादा ना, एस का सबसे ज्यादा वेट है, कितना वेट है हमको नहीं पता, आप 18 इसका वेट मत ले लेना वरना क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं आपसे। ये जो है ये दिया हुआ है कि एस 18 दिनों तक एडमिट था, W 27 दिनों तक एडमिट था, Q 17 दिनों तक एडमिट था, S का वेट सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम W का है, उससे थोड़ा कम Q का है, उससे थोड़ा कम T का है, ऐसे करते करते नीचे आना है। और ये मैंने क्या किया है, ये नंबर ऑफ डेज, जितने भी दिनों के लिए ये लोग एडमिट हुए हैं तो वो नंबर ऑफ डेज को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ताकि क्वेश्चन को जब पढ़ें तो हमको दिक्कत ना हो। जैसे कि इसमें क्या बोला है, 2 पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिटवीन हैवीएस्ट पर्सन एंड द वन Who was admitted in a hospital for less number of days than only 3 person? सिर्फ 3 लोगों से less होना चाहिए, यानी 24. सिर्फ 3 लोगों से कम होना चाहिए, बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो 24 वाले को देखो, सिर्फ 3 लोगों से कम दिख रहा है, तो यानी S और 24 वाले के बीच में 2 लोग एडमिट होते हैं, ऐसा बोला है आपको। तो ये जब तक ये सब चीजें नहीं करोगे तो बनाओगे कैसे, बनेगा ही नहीं, फिर सोचते रहोगे क्या करना है क्या करना है, बनेगा ही नहीं वो तो।
अब हो रहा है द लाइटेस्ट पर्सन वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर द वन वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर नंबर ऑफ डेज विच इज इन मल्टीपल ऑफ सेवन. तो सात के मल्टीपल में आपको यहां पर कौन सा दिख रहा है भाई, 21 दिख रहा है, 28 दिख रहा है? सात के मल्टीपल में 21 दिख रहा है, 28 दिख रहा है? 21 28 सात के मल्टीपल में, यहां मैं लिख देता हूं 21/28, ये सात का मल्टीपल है. अब बोला क्या, द लाइटेस्ट पर्सन वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर. लाइटेस्ट पर्सन कौन है? यू. यू सबसे हल्का है, तो 21 या 28 वाले के जस्ट बाद में यू होगा, ऐसा आपको बोल रहा है. अब बोल रहे यू एंड वी वर नॉट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ऑन कंसेक्यूटिव मंथ्स. यू और वी कंसेक्यूटिव मंथ में नहीं है, मतलब यू के जस्ट ऊपर वी नहीं होना चाहिए, जस्ट नीचे वी नहीं होना चाहिए. फिर क्या बोल रहा है, ओनली टू पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिफोर द वन हु इज हैवियर देन पी. पी से जो भी हैवियर है. Only two person were admitted in a hospital before the one who is heavier than P. P से जो भी heavier है, कौन है भाई? T heavier है, Q heavier है, W heavier है, S heavier है. मतलब सिर्फ आपको बोला क्या है यहाँ पर, इस लाइन को ना बाद में पढ़ते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, इसको बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा डार्क कर दिया हूँ. अब बोल रहा है less than 3% were admitted in a hospital after the second lightest person. Second lightest person कौन है? R. तो बोल रहा है कि R के बाद लेस देन 3%, लेस देन 3 मतलब 2 या 1 या 0, 2 1 या 0, लेस देन 3. तो R के बाद 2 1 या 0 होना चाहिए, मतलब R को आप मैक्सिमम या तो यहां रख सकते हो, या तो यहां रख सकते हो, या तो यहां रख सकते हो. मोर देन 3% वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिफोर द वन हु वाज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज. तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज मतलब 27. तो ये 27 को आपको क्या बोल रहा है भाई, 27 के लिए क्या बोल रहा है आपको? More than 3% were admitted in a hospital before the one who was admitted in a hospital for second highest number of days. तो तीन से ज्यादा पर्सन 27 वाले से पहले एडमिट होते हैं. तो तीन से ज्यादा मतलब चार, मतलब बोल सकते हैं इन चार में कहीं पर ये 27 वाला आएगा, 27, 27, 27, 27, इन चार में कहीं पर भी आ सकता है 27. अब वो heaviest person was admitted in a hospital immediately before the one who was admitted in a hospital for highest number of days. Heaviest person was admitted in a hospital immediately before. मतलब S जो है वो immediate before होना चाहिए. किससे immediate before होना चाहिए? The one who was admitted in a hospital for highest number of days, यानी 28 वाले से ये immediate ऊपर होना चाहिए. अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर? The one who was admitted in a hospital immediately after you was admitted in a hospital for less than 20 days. The person who was admitted in hospital Immediately after you, तो you के just बाद जो होगा वो या तो 18 वाला होगा या तो 17 वाला होगा, just बाद में. बोल रहा है you के just बाद में जो भी हो 20 दिन से कम के लिए admitted, तो 20 दिन से कम सिर्फ देखो 18 और 17 दिख रहा है. As many person are admitted in a hospital before R, as many person admitted in a hospital between V and the one who was admitted in hospital for number of days, which is a perfect square. Perfect square दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ 25 दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, सिर्फ 25 है परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या बोला है इसमें, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को फिर से. एज मैनी पर्सन आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिफोर आर, आर के पहले जितने भी लोग एडमिट होंगे इज सेम एज मैनी पर्सन आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिफोर आर As many are admitted in a hospital in between V and the one, तो V और किसके बीच में? V and the one who was admitted in a hospital for number of days which is perfect square, यानी 25. बोल रहा है V और 25 के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग R के ऊपर होने चाहिए. जबरदस्त क्वेश्चन है यार ये तो. 99% लोग तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, बनाएंगे ही नहीं कभी, ट्राई भी नहीं करेंगे, लेकिन हलवा है एकदम. सिर्फ कंडीशंस कंफ्यूजिंग है, बाकी एकदम हलवा है. V wasn't admitted in a hospital on May month. V जो है वो May month में, V जो है May month में नहीं आता, तो V यहां पर नहीं आएगा. हो गया बस. अब इस वाली लाइन को देखो, only 2% were admitted in hospital before the one who is heavier than P. नहीं है हलवा यार, चेयर ले आता हूं यार, पैर दर्द हो गया मेरा तो. अब बैठ के थोड़ा सोचते हैं पहले. हाँ तो भाई बताओ कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं,
एस से दो छोड़कर 24, 28। आर को अगर मैं यहां रखता हूं, आर के ऊपर हो जाएंगे 3, 3, 6 और 1, 7, तो वी और 25 के बीच में 7 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। आर को रखते हैं यहां, बैठने नहीं मिलेगा लग रहा है। अब देखो दोस्तों यहां पर ध्यान से, अगर मैं आर को यहां पर लेता हूं भाई, या तो नीचे से स्टार्ट करोगे या तो ऊपर से स्टार्ट करोगे। नीचे वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको लेने की तो जरूरत ही नहीं, उसको तो हटा ही दो, इस वाली कंडीशन में गलत हो जा रहा है ये। इन दोनों को देखो तो मैंने कौन सी मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाई यहां पर? ये नीचे ऊपर वाली नहीं लगाई, मैंने कौन सी लगाई? आर के नीचे मिनिमम 2 होने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मैंने वो वाली लगाई। मैक्सिमम 2 मतलब 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये आर को अगर मैंने यहां पर सेट किया तो देखो आर के ऊपर कितने लोग दिख रहे हैं? 5 लोग दिख रहे हैं, मतलब वी और 25 वाले के बीच में भी 5 लोग होने चाहिए। पच्चीस दिनों तक कौन रुका था? क्यू रुका था, सॉरी यू रुका था। ठीक है, देखो दोस्तों अब यहां पर ना ध्यान से सुनते जाओ। एस से दो छोड़कर 24 दिन तक रुका कौन है भाई? वहां पर देखो 24 दिन तक पी रुका है, मतलब एस से दो छोड़कर यहां पर पी आ जाएगा। एस के जस्ट नीचे 28 दिन वाले 28 दिन तक वी रुकता है, मतलब एस के नीचे जस्ट वी आ जाएगा। 25 दिन तक कौन रुकता है? यू रुकता है, मतलब यहां पर यू आ जाएगा। 27 दिन की अगर हम बात करें, 27 दिन तक कौन रुकता है भाई? 27 दिन तक रुकता है डब्ल्यू, तो यानी कि इन जगहों पर डब्ल्यू आना चाहिए। और क्या बच गया? 21 और 28 वाला कौन कौन है भाई? तो 21 वाला है टी, 28 वाला है वी, तो टी और वी, तो यानी कि यू के ऊपर वी तो हो नहीं सकता, तो टी ही होना चाहिए, कंफर्म हो गया यहां पर टी होगा। क्योंकि वी तो ये देखो ना मना किया, यू के ऊपर नीचे वी नहीं होना चाहिए, तो वी तो हो ही नहीं सकता। अब 18 और 17 वाला देखो कौन कौन है, तो एस और क्यू, तो यू के नीचे एस और क्यू में से कोई एक होगा। बस अब इसको सेट करते हैं, तो देखो भाई यहां पर क्या करना है हमको, P से दो छोड़कर S, S के नीचे V, U के ऊपर नीचे V नहीं होना चाहिए, इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और क्या बचा अब हमारे पास? R तो हमने सेट कर ही दिया है, T, U, S और Q में से कोई एक है। देखो दोस्तों अब यहां पर T और U को अगर मैं यहां पर रखता हूं, T और U, ठीक है, तो U से हमको पता है 5 छोड़कर V चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर V यहां पर आ जाएगा, ठीक है। V के जस्ट ऊपर S चाहिए, S यहां पर आ जाएगा। S से 2 छोड़कर P चाहिए, S से 2 छोड़कर P यहां पर आ जाएगा। U के जस्ट नीचे S और Q में से कोई एक चाहिए था, S तो यहां आ चुका है, तो Q यहां आ जाएगा। एक और कौन बच गया? W, वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हलवा था, कौन बोला था नहीं है, चेक करो आंसर सही है। अब इनके वो भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ डेज कितना कितना है, तो भाई टी का कितना है 21 दिन, यू का कितना है 25 दिन, क्यू का कितना है, क्यू का है 17 दिन, पी का देखो पी का कितना है 24 दिन, डब्ल्यू का 27 दिन, आर 20 दिन, एस 18 दिन, वी 28 दिन, ये आपका आंसर है, चेक करो।
हलवा नहीं था सर, बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में। निधि जी वही तो बोल रहा हूँ, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मेरी अप्रोच अच्छी नहीं थी तो टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में अप्रोच मेरी अच्छी थी कि भाई पहले इसको क्या किया हमने, डेज के हिसाब से, वेट के हिसाब से नोट किया, डेज पूरा लिखा, फिर डेज को पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर जहाँ जहाँ नंबर दिए हुए थे उन डेज को, नंबर ऑफ डेज को जो पर्सन है पर्सन से चेंज कर दिए, तो पूरा पूरा नाम आपको दिख गया, उसको ईजी हो गया। चेक करते हैं TUQP WR SV ठीक है, 21, 25, 17, 24, 27, 20, 18, 28, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और बनाना है, और करना है, अभी 2 ही घंटे हुए हैं सिर्फ, मुझे 3 घंटे हो गए 9 बजे से पढ़ाते हुए, थक गया मैं तो। पी से हैवियर की पॉसिबिलिटी थी, हाँ तो पी से हैवियर वाला देख लो ना भाई, क्या है पी से हैवियर वाला देख लो, क्या बोला था आपको यहाँ पर, बोला था ओनली 2 पर्सन वर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल बिफोर द वन, बिफोर द वन, 2 लोग सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट हुए इस बंदे के पहले, और ये बंदे के बारे में क्या बोला है, हु इज हैवियर देन पी, तो क्यू पी से हैवियर है कि नहीं है चेक कर लो, क्यू जो है वो पी से हैवियर है ना भाई, तो सही तो है। पीओ मेंस लेवल चाहिए फिर वो रात की क्लास में आइए, और अच्छा लेवल, क्योंकि देखो दोस्तों यहां पर ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता, आप ये सोचो कि इतना छोटा क्वेश्चन में मेरे पास इतनी सी जगह बच रही है, अगर मैं और बड़ा क्वेश्चन ले आऊंगा तो मेरे पास तो जगह ही नहीं बचेगी, फिर कराने को दिक्कत नहीं है, मैं उस पर करा दूंगा ना अनअकैडमी पर फ्री क्लास में, अनअकैडमी फ्री क्लास आज शाम को कितने बजे, आज शाम को करेंगे अपन 7 या फिर 7:30 ठीक है, या तो 7 PM या तो 7:30, 7 बजे, वैसे मैं 7 बजे ही सोच रहा हूँ यार, आज थोड़ा जल्दी करेंगे अपन ठीक है, तो 7 बजे का टाइम रखते हैं, 7 से 8 का ठीक है, एक ही क्लास रखेंगे लेकिन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर हो पाया तो मैं 6 बजे से रख लूँगा, इफ़ पॉसिबल मैं 6 PM पे रख लूँगा, 6 बजे से 7 बजे तक थोड़ा छोटा वाला क्वेश्चन मतलब मॉडरेट लेवल का, और फिर 7 से 8:30 बजे तक अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन, बट वो मैं पिछले साल शायद करवाया हुआ हूँ, वही क्वेश्चन है तो कुछ लोगों के लिए शायद रिपीटेड रहेगा, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, आप दोबारा भी बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको पूरा मेहनत लगेगी ही लगेगी, वो ऐसा क्वेश्चन है ठीक है। और अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, क्योंकि देखो फ्री क्लासेस भी लिमिट है, 1 घंटे से ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे फ्री क्लास को, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बाद आप सारी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो अनअकैडमी वाली, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन केस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये, तो AL10 ये कोड लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसके बाद आप अपने कॉइन्स रिडीम कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 7,000 में आपको 2 साल तक के लिए, 7 या 8 हज़ार के बीच में आपको 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और 2 साल मोर देन सफिशियंट है आपकी तैयारी के लिए, आप बैंकिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके सभी के लिए, सारे टीचर्स की सारी क्लासेस देख सकते हैं, पूरे कंबाइंड बैचेस देख सकते हैं, हर एग्जाम के अलग अलग कोर्सेज होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब्सक्रिप्शन लेकर एक जगह पर डिपेंड हो जाइए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट मत रहिए इतना कि सब कुछ हम खुद से कर लेंगे, थोड़ा हमारे ऊपर भी छोड़ दो, हम कर लेंगे आपके लिए। ख़त्म करें फिर, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।